नमस्कार, मैं रूपकिशोर राजपूत, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम समय समय पर किसी किसी हस्ती व नए चेहरे को आपके सामने पेश करते हैं। आइए ले चलते हैं अलीगढ़ शहर में, जहां कांग्रेस पार्टी के नेता आगा यूनुस के पास में इसे जानकारी करते हैं कि प्रदेश और देश में महंगाई किस कदर बढ़ रही है। ये जानकारी करते हैं पत्रकार विशाल नारायण के साथ में रूपकिशोर राजपूत। देखिए, बढ़ती हुई महंगाई जो है इस वक्त जनता को पूरी तरह से कंगाल बनाती जा रही है। ये मोदी सरकार ने कहा था, जब सत्ता में आने के लिए ये बिल्कुल परेशान थी, उस वक्त कहा था कि हम ये न्यू इंडिया बनाएंगे, और जब सत्ता में आ गई तो न्यू इंडिया की बात करने लगी। और कैसा न्यू इंडिया इस मोदी सरकार ने दिया है? न्यू इंडिया में देश की जनता को पूरी तरह भिखारी बना दिया है। जिन लोगों के पास जो है कहीं ना कहीं जीवन यापन के लिए करने के लिए खाना हुआ करता था, आज उनके खाने चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। आज मोदी सरकार पूरी तरह से, गैस देखिए लगभग 1000 के आसपास होने जा रहा है, पेट्रोल कब का 110 के आसपास पहुंच चुका, डीजल 100 के पार जा चुका। ये मोदी सरकार जनता की जेब में जो उसके खून पसीने की गाढ़ी कमाई के पैसे हैं, उसको उसकी आर्थिक लूट कर रही है। और लूट शब्द भी ये छोटा है, अब इससे बड़ा शब्द हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि संवैधानिक मर्यादाएं होती हैं। लेकिन ये मोदी सरकार का असली चेहरा यही है कि ये जनता को भुखमरी के कगार में ढकेल चुकी है। हम आपको एक आंकड़ा बताते हैं, ये मोदी सरकार के खेल का। ये मोदी सरकार जो है लुटती कमाई, बढ़ती महंगाई और जाता रोज़गार, ये तीनों चीज़ें इसी मोदी सरकार की उपलब्धि है। मोदी है तो मुमकिन है, इसका ये मिसाल है कि लुटती कमाई, बढ़ती महंगाई और जाता रोज़गार, युवा बेरोज़गार हो चुके हैं। अगर हम पूरे इनके काल को देखें तो लगभग 14 करोड़ पहले बेरोज़गार हो चुके, और इस द्वितीय लहर के अंदर 1 करोड़ लोग युवा जो बेरोज़गार हो चुके, यानी 15 करोड़ के आसपास लोग इस मोदी सरकार में, जो कांग्रेस सरकार के ज़माने के जो लोग रोज़गार पाए हुए थे, वो लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। आज इन्होंने वादा क्या किया था कि हम 2 करोड़ सालाना रोज़गार देंगे। अब जब सालाना रोज़गार देने की बारी आई तो 7 साल में मिलना चाहिए था 14 करोड़ नया रोज़गार, लेकिन इन्होंने तो नया रोज़गार तो देना तो दूर, पुराने ये खा गए। अब अगर हम आपको दूसरा आंकड़ा बताते हैं कि महंगाई की मार, तो महंगाई तो लगभग 2.5 गुने से ज़्यादा बढ़ चुकी है इस वक्त देश के अंदर। सारी खाद्यान्न की वस्तुएं बढ़ चुकी हैं, सरसों का तेल देखिए कहाँ जा चुका है, सब चीज़ों पर उद्योगपतियों का, बड़े उद्योगपतियों का, चंद उद्योगपतियों का कब्जा हो चुका है। किसानों के तीनों काले कानून जो बनाए हैं इन्होंने, किसानों की आजीविका पर कहीं ना कहीं जो है प्रहार करते हुए उद्योगपतियों के हाथों में उनकी जो व्यापार है, जो 40 लाख करोड़ रुपये का देश का सबसे बड़ा व्यापार, जो 40% आबादी का होता है, उसको कहीं ना कहीं ले जा करके उद्योगपतियों के हाथों में सौंपने के लिए इन्होंने 3 काले कानून प्रस्तुत किए हैं। और दूसरी तरफ आप देखें कि मैं क्या किसी कानून लागू करने से पहले जनता को भरोसे में लेना चाहिए था, या संसद या लोकसभा राज्यसभा में कहीं ना कहीं चर्चा करानी चाहिए थी, सरकारों की जिम्मेदारी नहीं थी? देखिए, ये तीनों कृषि काले कानून में किसी भी तरह से किसानों पर कोई चर्चा नहीं हुई। इनके जितने भी कानून आते हैं ये जनता को कुछ मानते ही नहीं है। ये जन विरोधी सरकार है, ये हिटलर शाही पर चलती है, ये तानाशाही वाली सरकार है। इसने जितने भी कानून बनाए, इन्होंने कोई भी कानून पर आप देखें किसी भी जनता से राय शुमारी नहीं की, ना इसमें किसानों पे की। अगर आप लोकसभा राज्यसभा, क्या नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी सरकार की? हर जिम्मेदारी नैतिक होती है, लेकिन ये नैतिकता खो चुकी है सरकार, ये अनैतिक सरकार है, ये तो गद्दी इसको छोड़ देनी चाहिए थी अगर नैतिकता होती। इतने इतने बड़े बड़े वाक्य हुए हैं, 97% लोगों के आय में कमी हो चुकी है, 23 करोड़ लोग देश के मध्यम वर्गी से गरीबी रेखा में प्रवेश कर चुके हैं। ये मोदी सरकार का असली चेहरा है। अगर आपको दिखाना है तो ये दिखाइए कि देश के अंदर लोग भुखमरी के कगार पर खड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं लोगों के हाथों, लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। क्या खाएगा इंसान? 1000 रुपये का गैस हो चुका, 110 का पेट्रोल हो चुका, 100 रुपये डीजल हो चुका। किसानों पर मार करती चली जा रही है, महिलाओं पर अत्याचार करती चली जा रही है, युवा बेरोजगार हो चुका है। कहीं ना कहीं ये पूरी सरकार निकम्मी सरकार है, संवेदनहीन सरकार है, और ये निर्मम सरकार है। जब कोई विरोध करता है तो उसके साथ निर्ममता दिखाती है, उसका सर फोड़ती है। किसानों के साथ ये जालियांवाला कांड की तरह अभी बर्बरतापूर्वक हरियाणा के अंदर सर फाड़ दिए गए। एक SDM खुले आदेश देता है कि जो भी किसान आए उसके सर फाड़ दो,
तो ये क्या चलता है इस लोकतंत्र में? इसने लोकतंत्र का चिरहरण किया है, संविधान को ये कुचलती हुई सरकार है। इस सरकार को एक दिन भी बने रहने का अधिकार नहीं है। अगर ये नैतिकता होती इसके अंदर तो, ये क्योंकि अनैतिक वाली अनैतिक सरकार है, ये इस तरह से देश के अंदर चल रहा है। ये लोकतंत्र तो हमारे ख्याल से पूरी तरह से इसने कुचल दिया है। कहीं ना कहीं डेल्टा वंश उसकी लहर आने का संभावना बनती जा रही है और लोगों में कोरोना के प्रति थोड़ा सा भय फिर दोबारा से पनप लगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना की तीसरी लहर के लिए हमारे देश की नीति आयोग ने पीएमओ को ये बताया है कि अक्टूबर के अंदर 4 लाख से 5 लाख मरीज जो है आ सकते हैं, इसकी आशंका जताई है नीति आयोग ने, जो सरकार की बॉडी है। दूसरा, जो राष्ट्रीय आपदा कमेटी है उसने भी लगभग ऐसे ही रिपोर्ट दी है पीएमओ को। तो ये भारत सरकार को रिपोर्ट है, उसके बावजूद ये देखा जा रहा है कि कहीं नहीं कहीं भाजपा के अपने कार्यक्रम में या भाजपा के अपने लोगों के किसी कार्यक्रम में इस कोरोना लॉकडाउन की धज्जियां उधेड़ी जाती हैं। तब ये कोरोना का रोना नहीं रोते, कोरोना का रोना जब रोना होता है जब गरीब की बारी आती है, जब लोगों पर मास्क के बिना चालान करना होता है ट्रैफिक पुलिस को, तब ये कोरोना का रोना रोते हैं। जहाँ जहाँ इनको सुविधा है अपने हिसाब से उसका कोरोना का रोना रोते हैं, और कोरोना से हम इनकार नहीं कर सकते। तीसरी लहर पर कोई काम करते हुए नहीं दिख रही है सरकार। ये कहीं ना कहीं दो लहरों में जिस तरह से इसने सरकार ने किया कि लोगों को, देश के लोगों को लॉकडाउन में ढकेला,